हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपको सात अजूबों यानी कि जो सेवन वंडर्स हैं पूरी दुनिया के, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी इससे थोड़ी सी, ठीक है? तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है ताजमहल। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे और 20,000 से अधिक कारीगरों ने इस पर काम किया। दूसरा क्या है इसके बारे में कि ये दुनिया का एकमात्र मकबरा है जिसे एक मुस्लिम सम्राट ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण संगमरमर से हुआ है और इसका रंग दिन के उजाले के अनुसार बदलता रहता है। ये दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। सेकेंड नंबर पर आता है मचू पिचू। मचू पिचू 15वीं शताब्दी में इंका सभ्यता द्वारा बनाया गया एक प्राचीन शहर है। यह पेरू के एंडीज पर्वतों में 2430 मीटर लगभग 7,970 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मचू पिचू को इंका का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। ये शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 2017 में मचू पिचू को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था। इसके बाद थर्ड पे आता है आपका कोलोसियम। रोम का कोलोसियम एक विशाल अंडाकार एम्फीथिएटर है जिसे 80 ईस्वी में बनाया गया था। ये रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर था और इसमें 50,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। कोलोसियम का उपयोग ग्लैडिएटरियल प्रतियोगिताओं, जानवरों के शिकार और सार्वजनिक निष्पादन के लिए किया जाता था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और रोम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 2007 में कोलोसियम को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था। इसके बाद चौथा आता है आपका चीनी दीवार। चीनी दीवार यानी कि जो चाइना की वॉल है, वॉल ऑफ चाइना, दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 2000 साल से ज़्यादा का समय लगा। दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर लगभग 13,171 मील है। इसे लाखों लोगों के मेहनत से बनाया गया था, श्रम से बनाया गया था और अनुमान है कि इसकी वजह से 10 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। चीनी दीवार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 2004 में चीनी दीवार को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था। तो चार मैंने बता दिया। पाँचवें नंबर पर आता है क्राइस्ट द रेडीमर। क्राइस्ट द रेडीमर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में यीशु मसीह यानी कि ईसा मसीह के एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा 30 मीटर यानी कि 98 फीट ऊंची है और इसे 700 मीटर लगभग 2300 फीट ऊंचे कोर्कोवाड़ो पहाड़ पर की चोटी पर बनाया गया था। प्रतिमा का निर्माण 1931 में पूरा हुआ था और रियो डी जेनेरियो का प्रतीक भी है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से ये भी एक है। 2007 में क्राइस्ट दी रेडीमर को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था, ठीक है? उसके बाद आपका आता है चित्चेन इट्ज़ा, छठे नंबर पे। चित्चेन इट्ज़ा प्राचीन माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था। ये मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। शहर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक एल कैस्टिलो, जो कि एक विशाल पिरामिड है। चित्चेन इट्ज़ा का निर्माण 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और मैक्सिको के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 2007 में चित्चेन इट्ज़ा को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था। इसके बाद आपका आता है पेट्रा। पेट्रा एक प्राचीन शहर है जो चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। ये जॉर्डन में स्थित है। शहर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक अल खजनेह, जो एक विशाल खजाना है,
पेट्रा का निर्माण नाबातियों द्वारा किया गया था जो एक खानाबदोश जनजाति थी। यह शहर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अपने चरम पर था। पेट्रा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और जॉर्डन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 2007 में पेट्रा को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था। तो बच्चों, ये रही आपकी 7 अजूबों के बारे में तथ्य। क्या आप किसी विशेष अजूबे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? और अगर आपको वीडियो और अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।